स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में आज हम एक टॉपिक को रीविजिट करेंगे जो मैंने मैग्नेटलेस मोटर के बारे में वीडियो बनाया था उसमें और डिटेल से और गहराई में बात करेंगे इसे जनरली कहा जाता है ब्रशलेस मैग्नेटलेस लेस सिंकनस मोटर मतलब इसका नाम दूसरा सबसे ख़राब नाम है एक तो मोटर जनरेटर यूनिट का नाम बहुत खराब है और इसका उससे भी खराब है तो आइए इसको अच्छे से गहराई में समझते हैं तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या जो इतना टिकड़न वाला कोई इक्विपमेंट बनाना चाहता है मैग्नेटलेस करना चाहता है तो मैग्नेट पे सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि जो भी हाई क्वालिटी मैग्नेट मैग्नेट जो सस्ते में से जाते हैं। जो आप स्पीकर में देखते हैं। एक, होता हाई जो जिसमें एक एलिमेंट है और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स और लगते हैं प्रोसेस भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होता है यह जो डिपेंडेंसी वरेबल बना देता है यानी कि कंपनी लटक सकती है किसी दूसरे के कारण से यानी कि अभी जैसे आज की दुनिया जो चल रही है ट्वेंटी ट्वेंटी के बाद से जो हुआ है उसमें आप देख कि सिर्फ तीन आ, मतलब फाउंड्रीज हैं जो बनाती है सिलिकॉन चिप्स और वो तीन थोड़ी सी धीमी हुई धीमी भी क्या गई मतलब डिमांड ज्यादा हो गया और वो नहीं मीटअप कर रहा है पूरी दुनिया लटक गई तो ये समझना बहुत जरूरी होता है कि कोई भी कॉर्पोरेशन आप चला रहे कोई भी बड़ी कंपनी चला रहे जैसे आप टाटा हो महिंद्रा हो मारुति हो तो ये सब में आप ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि मतलब वह हमारा एक सप्लायर गायब हो सकता कभी भी ये एक्सेप्टेबल नहीं होता तो ये डिपेंडेंसी बहुत खतरनाक है और रहा बात की कोई भी सब ऑप्टिमम सिस्टम जैसे कि मान हमारी इंडक्शन मोटर आप सोच लो कि ठीक है वो भी तो मैग्नेट्ले है। तो उसी से कम चला लेते काम भी करता है सब चीज रोबस्ट है बल्ले बल्ले है लेकिन उसका प्रॉब्लम उसकी जो लो इफिशंसी है यानी कि वो जो एट्टी से नाइन्टी देने में उसकी बैंड बच जाती है वो उससे सीधा असर पड़ता है रेंज पर कितना कि दूर आप जा सकते हैं तो सीधा सीधा हर मामले में ये आपको मनी इन्वेस्ट करना ताकि आपको ऐसा सिस्टम मिले जिसमें मैग्नेट ना हो और इफिशियंसी भी अच्छी हो फायदेमंद होगा और परमानेंट मैग्नेट मान लीजिए आप कहीं से अभी के इसमें ऐसा है कि दुनिया में सिर्फ एक ही सप्लायर है बड़ा सप्लायर कल को ऐसा हो सकता है कि दो तो तीन बड़े बड़े सप्लायर्स आ जाए जैसे जैसे हमारी माइनिंग टेक्नोलॉजी डेवलप होती जाए तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे और मैनुफेक्चर्स मिल जाएंगे लेकिन तब भी एक प्रॉब्लम मैगनेट का जो इनहेरेंट है वो है परमानेंट मैगनेट का टेम्परेचर टॉलरेंस यानी कि एक तापमान के बाद वो गर्मी छोड़ ही दे मतलब उस डीमैगनेटाइज हो ही जाएगा तो ये एक सीरियस समस्या था और इसका दूसरा भी समस्या था जैसे मान लीजिए गाड़ी में कभी आग लग गया जो कि होता है मतलब हर गाड़ी में आग लगता है इंटर कंबस्ट में हो चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो आग लग सकता है तो मान लीजिए ऐसा हो गया आपका आग लगा आपका गाड़ी में डैमेज हुआ आपने उसको ठीक है, पता चला मोटर हंड्रेड परसेंट यूजलेस हो चुका है क्योंकि वो पक गया और मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो गया तो इसीलिए टेम्परेचर रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा समस्या बनता है और दूसरा डीमैग्नेटाइजेशन कभी ऐसा नहीं होता कि फुल पावर था और एकदम सीधे जीरो हो गया इसलिए धीरे धीरे घटता है और घटते घटते आपको परफॉर्मेंस कमा आने लगेगा तो इसीलिए मोटर को ठंडा करना और इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर अगर ट्रैक्शन मोटर के बारे में बात करें तो ट्रैक्शन मोटर में एक सबसे -सब बड़ा समस्या होता है समस्या नहीं कहेंगे वो उसका मतलब डिमांड है उसके जॉब का कि उसमें आ, मतलब जो लोड रिक्वायरमेंट है वो वेरी बहुत करता है यानी कि जैसे आप इंडक्शन uh, मोटर से पंप बनाते हैं उसमें शुरू में बहुत ज्यादा इनरश करंट आता है कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि आपने एक बार स्विच चालू किया वो मोटर चलेगा फिर पंद्रह बीस मिनट या एक घंटे में आ, या दो घंटे में आपका टंकी फुल कर देगा आप बंद कर देंगे काम खत्म उस पर लोड वेरी नहीं कर रहा है उतना मतलब थोड़ा सा अपडाउन हो रहा है लेकिन मतलब मोरलेस सेम चल रहा है तो उस जगह पर इंडक्शन एकदम बल्ले बल्ले काम करता है लेकिन अगर आप कुछ ऐसा जगह इस्तेमाल करें जहाँ पर खूब आपको एक्सेलरेट डीसलरेट एक्सेलरेट डिसलेट करना चाह रहे हैं तो वो सूट नहीं करेगा तो ट्रैक्शन मोटर जो भी कंपनी बना रही है उसको ये ध्यान देना होता है कि आप जो बना रहे हैं, वो वेरिएबल लोड पे अच्छे से काम कर सके और इसमें ये कि लोड वेरी होता है, तो आपका जो रोटर है, रोटर है यूनिवर्सल मतलब मोटर हो ये सारे मोटर मतलब मैग्नेट चल लेकिन सबका रोटर में कंट्रोल जो है बहुत कम होता है लगभग ना के बराबर मान लीजिए और आप बोलेंगे परमानेंट मैग्नेट यूज करते दूसरा साइड इफेक्ट आता परमानेंट मैग्नेट मतलब समझिए टॉर्क तो बहुत अच्छा देता है लेकिन जैसे आरपीएम आपका बढ़ने लगता है टॉर्क घट जाता है तो एक साइड इफेक्ट आता है जिसे कहते हैं बैक ई यानी परमानेंट मैग्नेट आपके कॉइल से से लड़ाई कर रहा है एक से, वो भी काफी एनर्जी वेस्ट करता है बहुत हद तक नहीं कुछ करता लेकिन समझ रहे कि, आप तो रहे कि मेरा मोटर हर हालत में हर जगह पर हर आरपीएम हर टॉर्क रेंज में एकदम बम बम रहे वैसा नहीं होगा परमानेंट मैगनेट के साथ क्योंकि परमानेंट मैगनेट लड़ाई करने है लगता है आपका स्टेटर के साथ बैक ई के तहत और फिर इसका सिंपल ऑप्शन है कि भैया ब्रश मोटर इस्तेमाल करो तो ब्रश तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं क्योंकि पहली बात वो ब्रश मतलब घिस रहा है एक्चुअल चीज है घिस रहा है और कोई भी चीज कितना भी अच्छा हो अगर वो फिजिकली आप घिस रहे हो तो खत्म हो ही जाएगा तो आ, इस कारण से ब्रश तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो यही एक सीरियस समस्या पहला मटेरियल आपको लटका देगा नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता दूसरा म, मोटर की थोड़ी सी भी इफिशंसी बढ़ाने से सीधा सीधा फर्क पड़ सकता है कि आपका मतलब गाड़ी जो है तीन किलोमीटर चलेगा या चार चलेगा सीधा सीधा अंतर आ जाता है दूसरा परमानेंट मैग्नेट टेम्परेचर लिमिटेड होता है यानी कि आपको उसको ठंडा भी रखते रहना है और अगर किसी कारण से क्या बहुत हाई टेम्परेचर इन्वयरमेंट में आप काम कर रहे हो जैसे कि डीजल लोकोमोटिव के नीचे वाले एरिया में या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के नीचे वाले एरिया जहां पर एकदम भूंज जा रहा है वो परमानेंट मैग्नेट बहुत लंबा नहीं टिकेगा और ट्रैक्शन मोटर का लोड जो होता है वेरी होता है ट्रैक्शन मोटर मतलब जो प्रोपल्शन प्रोवाइड कर रहा है वो खूब उसका अप डाउन अप डाउन होता है तो आपका अपडाउं और रोटेटिंग मतलब फील्ड है उसको कंट्रोल करने से ही आपको फंक्शन मिलेगा कि आप वेरिएबल आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में भी इफिशियंट बने रहें और परमानेंट मैग्नेट लड़ाई करने लगता है तो एक समस्या बन जाती है ब्रश वटियर होता है ये समस्या है तो इसको बात करते हैं मैग्नेटलेस मोटर कैसे कर रहा है तो ये मैंने पिछला वीडियो बनाया था मैं भूल गया था कि सीधा सीधा बोलना था वो ब्रशलेस ए सी जनरेटर अगर आप देखते हैं जो इस्तेमाल होता है पावर प्लांट्स में वही है और कुछ है ही नहीं ये इसीलिए मैं बोल रहा दूसरा दूसरा वीडियो जो मैंने बनाया था मोटर और जनरेटर उसमें एक बात कहा था कि हर मोटर जनरेटर के तौर पे काम कर सकता है हर जनरेटर मोटर के तौर पे काम कर सकता है ये वही है मतलब किसी ने मतलब अभी जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड के चलते मोटर्स पर उतना रिसर्च हो रहा है लेकिन ये पहले भी किया जा सकता था बस किसी को जरूरत नहीं थी तो वही समझिए अभी भी अगर आप मान लीजिए कोई आपके आसपास कोई जनरेटर जो पाँच के से ऊपर का है अच्छा चांस है कि उसमें ये हो सकता है ब्रशलेस हो सकता है और वो ब्रशलेस में यही रहता है कि उसका जो रोटर है रोटर में एनर्जी डालने का काम ब्रशलेसली किया जाता है मतलब रोटर में एनर्जी डाल रहे हैं वो बिना ब्रश के जा रहा है और वैसा क्यों कर रहे हैं जनरेटर के इसमें वो समझिए उससे आउटपुट वोल्टेज कम बेसी कर सकते हैं और इसी का उल्टा अगर आप कर देते हैं यानी कि मोटर में ये कर देते हैं कि रोटर में बिना फिजिकल कम्युनिकेशन मतलब कॉन्टैक्ट के आप एनर्जी डाल पा रहे हैं तो एनर्जी आप क्यों ऐसा करके डालना चाह रहे हैं ताकि आप कम बेसी कर सको यानी कि टॉर्क का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप एनर्जी डालेंगे टॉर्क नहीं चाहिए तो आप कम कर देंगे भैया बैकिंग हमें फालतू का मत क्रिएट करो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इससे ये फायदा होता है कि पहला ये बिना मैगनेट के चलता है दूसरा ये आरपीएम देता है इंडक्शन मोटर का सबसे बड़ा कमी है कि, वो नहीं है। वो ए मोटर है। कि उसका थोड़ा सा होता है अगर मतलब पंद्रह से आरपीएम आना चाहिए वो नहीं कि आपका चौदह दे सकता है लोड बढ़ जाएगा तो तेरह तक तो घट जाएगा आरपीएम घटते रहता है सिंकनस जब तक वो लोड के अंदर पावर के अंदर आता है जैसे उसमें है कि सौ हॉर्स पावर वो दे सकता है आप सौ का ही लोड दे रहे वो यही रहेगा क्या बोलते हैं फुल आरपीएम पंद्रह सौ आरपीएम पंद्रह सौ पे ही चलेगा आप मान लीजिए लोड कम कर देते है तो भी वो हजार पे ही चलेगा ना उसका आरपीएम बढ़ेगा ना घटेगा तो सिंकनस ज्यादा इफिशियंट होता है और दूसरा रोटर को जो एनर्जी देने की बात कर रहे हैं वो सीधा सीधा इंडक्टिव होता है जैसे कि आप समझ लीजिए ट्रांसफार्मर में कोई भी दो तार छूता नहीं है दूसरे कैसे पावर दे देता है इधर उधर इंडक्शन से एग्जैक्टली वही चीज़ है एक रोटेटिंग इंडक्टर इंडक्शन में तो बस वही समझिए कि अगर इसको जनरेटर के कंपेयर में यहां मोटर वाले डिजाइन में कंपेयर करें तो समझिए जनरेटर में ये सब एक्सीएल नहीं होता है यह एक्सीएल ही दे दिया ताकि वो जगह कम खाए नहीं तो ये पतला और लंबा हो जाता है मतलब समझिए जनरेटर में जनरली हम लोग पतला लंबा बना सकते हैं इसको पतला लंबा बनाने का उतना मतलब कंपनी को डिमांड नहीं था तो उन्होंने तो इसको फैला दिया मतलब एक्सिस चेंज कर दिया जैसे एक्सीएल मोटर में एक्सिस चेंज किया जाता है एक्जैक्टली वही इन्होंने मतलब जो इंडक्शन पार्ट है उसमें कर दिया ज्यादा कुछ छिड़खानी नहीं है अगर आप ये ब्रशलेस से जनरेटर समझते हैं जो कि एक बार देखिए

कि सिंकनस मोटर है बस उसका स्लिप रिंग के जगह पे इंडक्टर लगा दिया गया और कुछ नहीं है। तो इसे ड्राइव कैसे करते हैं तो ड्राइव के केस में समझिए कि इसमें एक साइड इफेक्ट जरूर होता है कि आपको एक पूरा अलग से इन्वर्टर सेटअप चाहिए जैसे कि एक इन्वर्टर सेटअप चाहिए जो आपका कॉइल के थ्रू दूसरे कॉइल के थ्रू रेक्टिफिकेशन uh, के थ्रू रोटर वाइंडिंग तक एनर्जी डाल सके तो आपको एक अलग पूरा रोटर करंट सर्किट चाहिए होता है और uh, ये भी आपका एक्स्ट्रा uh, इसमें समझिए मोटर में एक्स्ट्रा यूनिट लग जाता है जिसे हम लोग कहते हैं रोटेटिंग डाय डायोड यूनिट ये ये समझिए जनरेटर वाली दुनिया के चलते ये बहुत पॉपुलर है हाँ बस इतने छोटे छोटे नहीं आते जनरली जो पावर डेंसिटी गाड़ी के मोटर्स के लिए बनाया जा रहा है वो बहुत हाई होता है मतलब एक किलोग्राम वो कितना हॉर्स पावर दे बहुत ज्यादा रहता है जनरेटर जनरली वैसा नहीं बनाया जाता जनरेटर बड़ा बना सकते हैं तो बड़ा ही बनाते हैं सब लोग सस्ता पड़ता है बनाना बड़ा तो इसीलिए इसको छोटा मिनिचराइज करना थोड़ा तिगड़ वाला था लेकिन आज की इंडस्ट्री में एल का इतना डेवलपमेंट हो चुका है मॉस्फर्ट का इतना डेवलपमेंट हो चुका है रेक्टीफायर्स का इतना डेवलपमेंट हो ये सब ज्यादा टेंशन वाली बातें और इसको सिर्फ मतलब जिस कंपनी का मैं पीडीएफ को डिटेल निकालू उनको चार किलो ही देना है सौ किलो वाट का आउटपुट के लिए मतलब रोटर में आपको एक्जैक्टली उतनी एनर्जी नहीं डालनी होती जितना आपका स्टेटर में जा रहा है तो इसीलिए बहुत ज्यादा पावर नहीं देना इनको और इसे ये समझिए कि रोटर करंट जो है ये करंट कंट्रोल करने के लिए आपको अलग से रोटर करंट कंट्रोलर चाहिए अब डिपेंड करता है जैसे कि मतलब पहले जनरेशन वाले में है कि आप इसको मेन इन्वर्टर से जोड़ के रखिए और जैसे मतलब ये कंपनी जो कंपनी सेल कर रही है इनका आइडिया ये है कि इसमें ये आ, मतलब कैन बस आपके समझिए गाड़ी में बहुत जगह पे कैनबस का इस्तेमाल होता है जैसे स्टीयरिंग व्हील का डेटा कैसे जाता है आ, उसका नेविगेटर घूम रहा है तो कैनबस का इस्तेमाल करते हैं फिर बहुत सारी चीज मतलब आपका खिड़की हो गया सिग्नल हो गया बहुत सारा डेटा जो है कैनबस पर चलता है तो वो इन्वर्टर कैनबस का इस्तेमाल करता है मतलब मेन कंप्यूटर कंट्रोलर से बात करने के लिए वो इन्वर्टर बात करेगा आपका रोटर से रो, रोटर करंट कंट्रोलर से और वो उसको फीडबैक दे चला लेगा या तो ये हो गया सेपरेट ये हो गया कि मान ली आप किसी कंपनी से ले रहे थे जैसे मान ली तोशीबा हो जाए या कोई भी बड़ी पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी ऑन सेमी से आपने मान ली इन्वर्टर मंगा रहे थे ठीक है अब ये आप एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं आपको जरूरी नहीं है कि इसी इन्वर्टर के अंदर हो या तो अगर आप मतलब शुरू से आपकी कंपनी शुरू से सब चीज ऑर्डर करवा रही है तो आप ऐसा कर सकते हो कि मेन इन्वर्टर के अंदर एक छोटा सा सेक्शन एड पहले से हो तो सेपरेट और इन्वर्टेड दोनों हो सकता है लेकिन जरूर ध्यान दें आपको मतलब आउटपुट के केस पर आपको दो और एक्स्ट्रा आउटपुट चाहिए होगा स्पिनिंग ड्राइवर तो जो है वो यही इसका काम होता है कि जो ए सी टू ए आ रहा है वो ए ना जाए रोटर में आपको ए नहीं डालना रोटर में आपको डीसी डालना ताकि जो मैग्नेटिक पोल्स है वो फिक्स रहे एक ही जगह पर रहे परमानेंट मैग्नेट जैसा बिहेव करे तो इस कारण से एसी को डीसी में

बहुत अंतर आ जाता है तो इसीलिए तो तो है? है रोटर जोर के जबरदस्ती का डाला रहता है स्टार्टिंग तो में वो इंडक्शन मोटर जैसे स्टार्ट होता, है आरपीएम पकड़ता है और जैसे आरपीएम सिंकनस स्पीड के पास पहुंच रहे हैं जैसे आठ है सौ तो जैसे वो समय सात सौ पहुंचेगा रोटर करंट चालू कर देगा और तब वो लॉक हो जाएगा तब वो सिंकनस काम करेगा तब बल्ले बल्ले तो यहाँ पे कैसे करेंगे गाड़ी को गाड़ी को ठेल के तो स्टार्टअप करोगे नहीं तो यहाँ पे हिसाब ये रहता है कि वी जो है बहुत लो फ्रिक्वेंसी तक जाना चाहिए और वी का डेवलपमेंट इतना हो चुका है कि वो इंडक्शन मोटर के लिए भी ऐसा कर सकता है कि बहुत लो आर पी चला सकें तो ये समस्या अब सॉल्व हो चुकी है और जो मतलब एक अलग कंट्रोलर यूनिट है जो रोटर का करंट आर पी एम देख के लोड देख के कंट्रोल कर सकता है तो ये ड्राइव करने का सिस्टम है मतलब जो आपका स्टेटर है एग्जैक्टली सेम है स्टेटर को चलाने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जैक्टली सेम है जो इंडक्शन में बस उसको आपको ये करना होगा कि आ, मतलब फ्रीक्वेंसी थोड़ा लो जाने दो क्योंकि आ, मतलब इंडक्शन जैसा इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है तो इसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा प्यार से देना एक्जैक्टली जैसे आपको स्विच रिलेक्टेंस मोटर्स में आपको करना पड़ता है या स्विच स्विचेंस मोटर में करना पड़ता है तो वही आपको करना होगा ये ड्राइव करने वाला तिगड़म है अब बात बताए इतना तिकड़म इतना हुआ क्यों कर रहे हैं हिसाब ये समझिए सिंकनस मोटर इफिशेंट है मैंने सीधा बताया था कि इंडक्शन मोटर का आपकी गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं जाएगी और आ, मतलब इस सिस्टम पर ज़्यादा दूर जाएगी क्योंकि ये सिंकनस है सिंकनस जनरली दूसरे में अचीव करने के लिए या तो आपको मैगनेट इस्तेमाल करना पड़ता है या स्विच रिलेक्टेंस मोटर इस्तेमाल करना पड़ता है तो यहाँ पर आपको इंडक्शन से तो आप बेटर आ गए लेकिन इसका जो सबसे यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो है ये पावर फैक्टर वन रखता है यानी कि अगर आप रोटर का करंट को अच्छे से कंट्रोल करें मैंने नीचे वीडियो भी दे दिया जिसमें एक बंदा कॉलेज के लिए बनाया जाता है डेमो यूनिट उसका डेमो दिखा रहा है कि आपका दिमाग चल जाएगा कि मतलब लिटरली वो एज ए रजिस्टर के तौर पे बिहेव करेगा आपके इन्वर्टर के लिए ये बहुत ज़रूरी बात है आपके इन्वर्टर के लिए क्योंकि इन्वर्टर में आप कभी भी, भी खरीदते होंगे मार्केट में देखिए उसमें वी ए में रेटिंग रहता है कभी वाट नहीं दिखा रहता मतलब पंद्रह सौ वी है 1500 सौ का क्या मतलब है कि आप 1500 सौ वाट निकाल सकते हैं हाँ अगर पावर फैक्टर वन है मोटर का कभी नहीं होता मोटर का जनरली सेव पॉइंट सेवन होता है पॉइंट एट होता है और आप बोलोगे मैं फिल्टर करूंगा मैं तिड़न करूंगा वो सब फिक्स फ्रीक्वेंसी के लिए करना आसान होता है जैसे कि मान लीजिए आपका घर का पानी का पंप है उसका पावर फैक्टर अच्छा हुआ क्यों क्योंकि पता है कि वो पचास हठप चल रहा है उस पर इतना लोड है इतना कैपेसिटर डालो बल्ले बल्ले हो जाए टेंशन मतलब लेकिन आप गाड़ी की बात कर रहे हैं गाड़ी को आर पीओ कंट्रोल करने की सबसे पहले चीज़ आप क्या चेंज करते हैं फ्रिक्वेंसी फ्रीकवेंसी चेंज करते हैं पावर फैक्टर नोटंगी करने लगता है तो उसके लिए बहुत बड़ा मतलब इन मोटर इतना बड़ा है तो इसमें इतना बड़ा सेक्शन सिर्फ इसके लिए पावर फैक्टर करेक्शन के लिए वो आपको इस मोटर में जरूरत नहीं पड़ेगी यानी कि आपका अगर मान लीजिए इन्वर्टर है 100 हॉर्स पावर का किलोवाट 100 किलोवाट किलो का मान लीजिए वो 100 किलोवाट आपका मोटर तक पहुंच तो जाएगा ये बहुत बड़ा बात है यानी कि आईजीबीटीज आपके ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ये स्विच रिलेक्टेंस भी नहीं कर सकता तो ये आप पहले समझिए पहले तो आपको इफिशेंसी बल्ले बल्ले दे रहा है दूसरा पावर फैक्टर दे रहा है यानी कि इन्वर्टर पे लोड कम पड़ रहा है और इसका मच हायर पीक टॉर्क है स्विच रिलेक्टेंस का पीक टॉर्क बहुत खराब होता है क्योंकि अंदर ऑब्वियसली वो वो रिलेक्टेंस का मोड को इस्तेमाल कर रहा है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है लेकिन उतना बम बम नहीं होता मैग्नेटिक फोर्स बम होता है ये मैग्नेटिक फोर्स का बड़ा भाई इस्तेमाल कर रहा है जिससे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो आप बहुत ज़्यादा रोटर करेंट डाल के बहुत हाई टॉर्क निकाल सकते हैं और ये मैगनेट के में तो सीधा सीधा मैग्नेट वाले सारे मोटर्स में टॉर्क लिमिटेड है। एक हद से ज्यादा वो नहीं दे सकता आप तो उसे मतलब होता है ना कि मतलब मैंने एक्सीटर दबाया गाड़ी सुर से गायब हो जाए वो नहीं कर पाएगा मतलब ऑब्वियसली उसके हिसाब से आप बड़ा बना दोगे लेकिन फिर तो आप घूम फिर वहीं पहुंच गए ना कि यह समझ लीजिए मोटर बड़ा हो रहा है यहां पर वो दिक्कत नहीं होगा और हाई एट हाई आर यानी कि परमानेंट मैग्नेट का काफ़ी सारी गाड़ी कंपनी बनाई सब चीज़ बल्ले बल्ले रहा लेकिन वो चांद पे चल रहा गाड़ी बम बम चल रहा है इफिशियट चल रहा है टेक ऑफ कर रहे है सब चीज़ बल्ले लेकिन जैसे हाईवे पे आ गया और क्रूजिंग कर लेंगे उसकी इफिशियंसी घटने लगे क्योंकि मैगनेट लड़ाई कर रहा है अब स्टेटस है अब वो बैक इमेफ क्रिएट कर रहा है यहाँ पर चूँकि आप रोटर करेंट को कंट्रोल कर सकते हैं चिल कर रहे हैं भाई ठंड हो जाओ एकदम इफिशियंसी तो ये सारा डेटा मिला के यानी कि सबसे पहला ये इंडक्शन से ज़्यादा इफिशियंट है दूसरा पावर फैक्टर वन जो कि ऑलमोस्ट को, कोई और मोटर नहीं आपको दे सकता यानी कि आपका जो इन्वर्टर है वो ऑलमोस्ट हंड्रेड पावर आपको दे पाएगा और स्ट्रेस भी कम रहेगा मतलब इन्वर्टर ऐसा भी नहीं कि वो पावर दे रहा है तो उसकी भैंड में रही हो पाओ हंसी खुशी देगा जाओ अपना समझिए खाओ पावर तो बल्ले बल्ले और प्लस पीक टॉर्क मैग्नेटिक सिस्टम से बेटर देगा स्विच इलेक्टर से बेटर देगा और हाई इफिशियंसी हाई आपके यहाँ रख सकेगा तो इसका जो टोटल क्राइटेरिया है कि मतलब कितने रेंज पे कितना पावर ये दे सकता है कितनी एफिशिएंसी के साथ उस केस में ये ऑलमोस्ट सारे मोटर टोपोलॉजी को हटा देता है हट जाओ हमारे से कंपेयर में बताओ तो यही इसी कारण से कंपनी इतनी मेहनत कर रही है और जब मैंने पहली बार वीडियो बनाया था तो वो मैंने बताया था इसके महल कंपनी एम ए एच एल ई अब ये जर्मन में है तो मैं इंडियन में बोलना भी चाहूँगा तो नहीं है, सही सुनाई देगा तो ये लोग मैग्नेट फ्री बना रहे थे इस तरह का ये आपको काफ़ी जगह वीडियो देखने मिलेगा ये नहीं कहा सिक्स पोल वाला सिस्टम है तो ये तो मैंने उस टाइम देखा था एक कंपनी है बाद में पता चला कि दूसरी और कंपनी भी है जैसे कि बी आर यू एस ए ये लोग इसका नाम और अति ऊट रखे हैं ये लोग कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड सिंकनस मोटर एस जिसको कहते हैं एस एस एम ये दूसरी कंपनी बना रही है मतलब और मुझे भी वही सही लगा कि इस पर पेटेंट नहीं किया जा सकता क्योंकि आप एक्चुअली जनरेटर ही तो उठा के डाल रहे हो मतलब है इसकी पूरी टेपोलॉजी है क्या जनरेटर जैसा है आप आप बोलोगे मैं जनरेटर पर ज्यादा फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी कम बेसिंग कर रहा हूं तो उसे आप पेटेंट मार लेंगे वो उतना प्रैक्टिकल नहीं है तो हिसाब वही समझ में आ रहा है कि कोई भी कंपनी से बना सकती है हाँ नामांकरण इसका बहुत खराब है जैसे कि मेरे हिसाब से क्या नाम होना चाहिए इसका नाम सबसे से, से, सेट बनता है कि इंडक्टिवली कपल्ड सिंकनस मोटर और ए सी सिंकनस मोटर काम खत्म क्योंकि मेन छिड़खन क्या रहा है अगर आप सिंकनस मोटर को उठाते हैं और इसको लेते हैं दोनों एक सेम है बस करंट कैसे अंदर डाल रहे है वो बदल जा रहा है करंट स्लिप रिंग के जगह पे आप इंडक्टर से डाल रहे हैं तो ये दो कंपनी काम कर रही है तो बात है कि इसमें क्या साइड इफेक्ट क्या है अभी तक तो मैंने सब पता है कि हर मामले में बल्ले बल्ले तो इसका साइड इफेक्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनुफेक्चर यानी कि रोटर बनाना मेहनत वाला काम पड़ेगा तो यहाँ पर समझिए कोई भी ऐसा मोटर कभी नहीं बनाया जाता है जिसमें कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं हो जैसे कि सबसे आसान मोटर अगर आप बनाने में मैन्युफैक्चरिंग में कहना चाहते हैं तो उसे कहा जाता है स्विच रिलक्टेंस मोटर सबसे ज़्यादा क्योंकि स्टैम्प्ड शीट मेटल काम खत्म घर जाओ और उससे थोड़ा मुश्किल होता है स्टैम्प शीट मेटल के ऊपर स्क्विरल केज लगाना जो आप इंडक्शन मोटर पर लगता है मैग्नेट्स वाले में बहुत मुश्किल हो जाता है तो यहाँ तो उससे भी मुश्किल है कि मतलब आपको पहले स्टेटर बनाना है मतलब यानी लैमिनेट्स बनाने है, फिर उसके ऊपर कॉइल वाइंडिंग करनी है तो ये महंगा पड़ेगा जेनुअनली महंगी पड़ेगी मैनुफैक्चरिंग लेकिन इसका जो ड्राइव बेनिफिट है यानी कि कंपनी ने मान लीजिए इसे इन्वेस्ट किया जैसे मारुति हो जाए टाटा हो जाए ये लोग इन्वेस्ट करते हैं कि हम इस मोटर में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको तो फैक्ट्री बनाने का खर्चा एक बार तो लेना ही है चाहे कोई भी करे एक बार वो कर लेते हैं तो उसके बाद बहुत प्रॉफिट आता है और इसमें ये भी एक फ़ायदा है क्योंकि रोटर जो है रोटर के अंदर डीसी है रोटर में ये लोग मोटे मोटे ये इस्तेमाल कर सकते हैं कंडक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं जनरली आ, मोटा कंडक्टर आप एसी के साथ नहीं कर सकते स्किन इफेक्ट के कारण वो इस्तेमाल ही नहीं होगा डीसी में ऐसा कोई समस्या नहीं है तो इसी कारण से अब चूंकि रोटर में डीसी है तो आपको वाइंडिंग ऐसा भी कर सकते हैं खूब सारा वाइंडिंग हो या मोटा मोटा बल्ले बल्ले वाला वायरिंग चार पांच में वो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से आसान पड़ जाता है तो इसीलिए जितने पावर प्लांट वाले जनरेटर देखेंगे उसमें एकदम तो बार इस्तेमाल किया जाता है कॉइल नहीं इस्तेमाल कर बार इस्तेमाल करता है तो वो आप इसमें भी कर सकते हैं तो इसी कारण से इसमें एक साइड इफेक्ट जरूर है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है आपका स्विच स्वच्छर से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटर जो का त्यों है एकदम स्टेटर में कोई चीज़ नहीं बदल रहा है स्टेटर कॉपी पेस्ट है मतलब स्टेटर ऑलमोस्ट सारी कंपनी टेक्नोलॉजी का सही ही आता है तो so, स्टेटर तो कंट्रोल से ही कंट्रोल ही कर देते हैं लेकिन आपको रोटर में आपको तिगड़न लगाना पड़ेगा लेकिन इसका एक फायदा है कि अगर कोई कंपनी इसको शॉर्ट करती है जैसे मान लीजिए कल को महिंद्रा बोलते हैं कि महिंद्रा की इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ी उनके चल रही है वो इस पर इन्वेस्ट करते हैं तो उनको क्या फ़ायदा होगा कि वो कंपनी तो अगर मास प्रोडक्शन सॉल्व कर दी तो इसमें कोई और समस्या नहीं है और इसके बाद ये एबिलिटी के बाद इनको सप्लाई चेन लिमिटेशन नहीं होगा जो कि हर कंपनी के साथ सबसे बड़ा समस्या बन रहा है कि कल को चाइना का मूड हो गया एक काम करते हैं ना न्यूडिनिंग का दाम बढ़ा देते आप तो लटक गए और अभी अभी देख लीजिए अभी जो हो रहा है दुनिया में जो सप्लाई चेन का हम लोगों को कितना वॉनरेबल है इससे लोगों को अब समझ में आने लग रहा है सप्लाई चेन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आप सपने देखने का तो देख लीजिए लेकिन सप्लाई चेन कमज़ोर निकला तो फ्री का सुहा हो जाएंगे और हो गया मतलब देख लीजिए पूरा ट्वेंटी मतलब सबका था अरे कुछ दिन में सॉल्व हो जाएगा चिप शॉर्टेज अब तो मतलब एक लाख में कंप्यूटर आता भी नहीं है मतलब मैं जिस ट्वेंटी ट्वेंटी से पहले एक लाख में आपको ठीक ठाक कंप्यूटर आ जाता अभी एक लाख में मजाक का कंप्यूटर नहीं आएगा दो तीन लाख तो मुंह दिखाई का देना पड़ जा रहा है तो हिसाब वही समझिए कि सप्लाई चेन का इंपॉर्टेंस जो है ये पैंडमिक पीरियड सिखा दिया लोगों को तो कंपनी जो है कि सोचेगी ना अरे यार स्विच रिलेटर्स से कर लेते हैं उससे भी कर सकते हैं ऐसा नहीं उसमें कोई सब को, सब साइड इफेक्ट है लेकिन परफॉर्मेंस ये ज़्यादा बेटर देगा फिर आप बोलेंगे थोड़ा सा स्विच रिलेटर्स में ये मैगनेट डाल देते हैं जो कि मैंने नीचे दे दिया वीडियो जिसमें टेस्ला इस्तेमाल करा उसमें भी एक दो किलो तो मैगनेट ही जाता है और एक दो किलो मैगनेट अगर आपका मतलब सौ किलो के लिए सिस्टम में लग रहा है काफी लगेगा अगर आप कई लाख पीस बना रहे हैं तो तो इसीलिए ये जो दो कंपनी मुझे दो ही दिखी है वो आराम से हो सकता है कि अगर आप लोग थो थोड़ा हाथ पैर मारें तो और मिल जाए लेकिन हाँ प्रॉब्लम वही होगा कि नाम तो इनका सही सहन है तो कैसे खोजिएगा वो ये रैंडमली हमको मिल गया लेकिन इसीलिए भी वीडियो बनाए कि ये टेक्नोलॉजी जितना मैं गहराई से खोद रहा हूँ उतना ये सक्सेसफुल दिख रहा है कि हाँ एक जरूर मुश्किल है बनाने में बैंड बजेगी लेकिन एक बार आप मशीन बना ली एक बार सेटअप हो गया उसके बाद आप पैसा छाप सकते हैं क्योंकि आपकी गाड़ी यही मोटर लेके बाकी सारे मोटर को चलो हटो हट जाओ हट जाओ हमसे कर हमसे हम मत, तुको लगता है तुम्हारा एक्सीलरेशन ज्यादा हम एक्सीलरेशन देंगे हम फुल स्पीड तक एक्सीलरेशन दे सकते हैं यानी कि आप कोई भी गाड़ी में देखते हो सुपरकार सम में का जीरो तो टू सिक्सटी उसके आगे के क्यों नहीं बताते हो कारण वही है कि जो तो सिक्स बहुत जल्दी पहुंच जाए उसके बाद धीरे ऊपर है ये मोटर रहेगा तो ये हाई आरपीएम तक भी जा सकता है इसको कोई दिक्कत नहीं आराम से समझ और चूँकि इसमें मैग्नेट एलिमेंट नहीं है पिक टॉक का टेंशन नहीं है तो बल्ले बल्ले कर ही लेगा स्विच इलेक्ट्रेंस स्टार्टिंग में ही पीछे हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली उसका स्टार्टिंग टॉक बहुत कम होता है तो इजी बोल रहे हैं हर मामले में एज ए परफॉर्मेंस एज ए मतलब कि मैंने ये मोटर लिया प्लस Uh, सस्ती गाड़ी के लिए ये फ़ायदा है कि आपने एक बार बना लिया सस्ती गाड़ी में भी आप लगाना चाहोगे उससे सबसे बड़ा फायदा कोई रेंज ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ये इफिशियट है कूलिंग कम करनी पड़ेगी इन्वर्टर सस्ता हो जाएगा क्योंकि पहली बात तो ये वन पावर फैक्टर पर चल सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम तो इसी कारण से है इसमें बहुत सारा बस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्सिटी को ये दो कंपनी हाथ मार रही है तो देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ये ऊट पटांग मैग्नेट मैग्नेटलेस मोट, मोटर के बारे में उम्मीद करता बताऊँ आपको अच्छा लगा कुछ सीखने हो कुछ समझ में आओ अगर ऐसा है लाइक कर दे दोस्तों शेयर कर दे उससे मेरा काफ़ी भला होगा नहीं अच्छा लगा नहीं पसंद आया कोई बात नहीं आप डिसलाइक कर सकते हैं मैं कहूँगा डिसलाइक दो बार दबाएँ उसे अच्छा लगे कितना ना पसंद हुआ मैं आपसे कहूँगा कि कॉमेंट लिखे मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ आपसे सकूँगा सब्सक्राइब कीजिए बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो आपने रहा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई धन्यवाद